एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। देखिए हमारी एक्सरसाइज 2.2 है क्या, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इसमें थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यदि तुम, हिंदी मीडियम वाले के लिए बता रहे हैं, यदि तुम किसी नंबर से 1/2 घटाते हो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 और जो परिणाम आता है उसमें 1/2 से गुणा करते हो, यू गेट 1/8, तुम्हें 1/8 प्राप्त होता है, व्हाट इज द नंबर, तो नंबर बताना है, ठीक है, कि कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, बिल्कुल कोई भी टेंशन ना लीजिए, बहुत आसानी से आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, बस सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है। अब जो भी पूछेगा, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को लेट कर लेंगे, कह रहा है व्हाट इज द नंबर, तो यहाँ पर व्हाट इज की जगह पे कर देंगे लेट द नंबर, ठीक है, लेट कॉमा द नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, यस, लेट द नंबर इक्वल यस मीन्स माना वह संख्या बराबर यस, हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये, माना वह संख्या बराबर यस। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। इसको लिखने के बाद आगे चलते हैं, देखिए कह रहा है इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यदि तुम नंबर में से कितना सब्सट्रैक्ट करते हो 1/2, और नंबर मैंने लिया क्या है यहाँ पर यस, है ना, नंबर कौन सा मान लिया मैंने यस मान लिया, यहाँ पर नंबर कौन सा राइट करेंगे यस राइट करेंगे, यस में से सब्सट्रैक्ट कितना करना है 1/2 को, तो 1/2 मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। फिर कह रहा है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी अब जो इसको सब्सट्रैक्ट करने पे आया है उसमें जो है 1/2 यानी 1/2 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है, और तुम्हें मिलता कितना है, यानी इक्वल कितने के आ जाता है 1/8 के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। फिर ये हो जाएगा वन, अब ये 1/2 क्या होगा, यहाँ हो जाएगा यस यस माइनस माइनस 1/2 इक्वल इक्वल 1/8 1/8, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, लेकिन याद देखिएगा कभी भी अगर रेशनल नंबर दिया गया हो और उधर ले जाएगा जो नीचे होगा, अब ये उधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, कहाँ पे जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8 मीन्स यस माइनस 1/2 इक्वल हो जाएगा कितना 1/4 हो गया, मीन्स यस इक्वल हो जाएगा 1/4, और ये इधर 1/2 किसमें है माइनस में है, अब ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 हो गया। अब इसको हम देखेंगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी यस इक्वल, अब यहाँ देखिए 4 है, अब यहाँ पर 2, तो 4 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, 4 हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लिया, अब 1 है 1 और इनटू इनटू 4 का टेबल पढ़िए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 बन जा 4 मींस कितने टाइम्स पढ़ा आपने, 1 टाइम पढ़ा, एक बार पढ़ाना था तो पढ़ा, तो 1 हो गया प्लस है प्लस, 1 है 1, यहाँ पर 1 लिखा 1 लिख लिया, इंटू एंड 2, अब 2 का टेबल पढ़िए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 2 जा 4 मीन्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यस बराबर बराबर 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 4 मीन्स यस इक्वल हो गया 2 और 1 3 3 बाय 4, तो अब क्या लिखेंगे हियर द नंबर इक्वल 3/4, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वह संख्या बराबर 3/4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कल पढ़ेंगे, हमको लगता है आप
लोगों को अच्छे से समझ में आया, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और